आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। जामिया वालीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे रीवा के एनएसयूआई छात्र गिरफ्तार। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के गेट में किया जा रहा था केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सैकड़ों एनएसयूआई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस व एनएसयूआई छात्रों के बीच हल्की झड़प की भी खबर है। खबर रीवा से, जहां दिल्ली के जामिया व अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे रीवा के एनएसयूआई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ हुई बर्बरता के बाद देश के अब तक 2 दर्जन विश्वविद्यालयों ने जामिया का समर्थन किया है, जिसके बाद रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एनएसयूआई छात्रों ने भी अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आज सुबह से ही विश्वविद्यालय के गेट में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया है। एनएसयूआई के पदाधिकारी मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के गेट पर किया जा रहा था। एनएसयूआई द्वारा केंद्र सरकार व जामिया यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ हुई बर्बरता का विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही थी, तभी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस व छात्रों के बीच छीना झपटी की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शन को पूरी तरह से बंद करा दिया है। तो इस वक्त यह खबर रीवा से, जहां रीवा में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एनएसयूआई छात्रों ने प्रदर्शन किया है, जिन्हें पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात, जो जामिया और अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस ने अंदर घुस के छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। देश के जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री के इशारे, अमित शाह के इशारों पर वहां पे लाठीचार्ज होता है, जिसके विरोध में आज हम सभी छात्र जो है गिरफ्तारी दिया है, विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अपना विचार रखना जो है, हमारा लोकतंत्र उसका देता है ना, तो वो हम अपनी बात जो हम रखते हैं उसको सुनना चाहिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री युवाओं की बात को दबाने का प्रयास करते हैं, छात्रों की बात को दबाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और आने वाले समय में हम सभी युवा एकत्रित होकर और इस बात का जवाब भाजपा सरकार को देंगे। आज कुल कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी है? हम लोग
200-300 लोग थे, उसमें 150 लोग गिरफ्तार होकर आए हुए हैं और बाकी लोग सभी आ रहे हैं। शुभ नाम आपका।